फ्रेंड्स, कल मैं किसी के घर गई थी और दीपावली मिलने अभी चल ही रहा है, तो उनके घर में बच्चे नहीं थे। स्पेशली बच्चे वाला घर नहीं था, दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक उन आंटी के लिए बोला, मतलब अपनी वाइफ के लिए, कि इनको काम ही क्या रहता है दिन भर घर में, बच्चे हैं नहीं, बस खाना बनाए, हम दो लोगों का ही तो खाना है। तो इस बात पर मुझे इतना बुरा लगा, मैंने उसी वक्त उनसे कहा, अंकल से ऐसा नहीं होता है कि काम नहीं होता, घर में बहुत काम होते हैं और एक हाउस वाइफ की तरह तो मतलब कोई हो ही नहीं सकता है, जो पार्ट टाइम उनकी मतलब जॉब रहती है। जैसे लेडीज़ बाहर जाती है तो उसके पास ये रहता है कि हाँ, हम बाहर जॉब करके आ रहे हैं, घर में आराम रहेगा, पर जो हाउस वाइफ होती है, इनका काम कभी ख़त्म नहीं होता। इनके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर हाउस वाइफ के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ, जो घर को मैनेज करती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, सबके लिए खाना, सबकी हर चीज़ को मैनेज करके रखना, घर संभालना बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जेंट्स लोग कुछ कर, मतलब उनका काम इतना मेहनती नहीं, उनके काम हम नहीं कर सकते, हमारे काम हैं वो नहीं कर सकते हैं। हमारी छत यहाँ पर धुल चुकी है, सब साफ़ हो गया, उसमें मैंने कचरा रखा है जो सुबह ले जाऊँगी, क्योंकि अब दिन छिपने वाला है तो अब कुछ भी नहीं करूँगी, सफाई हो गई पूरी छत की। हूँ नीचे अपना चाय का कप भी ले लेती हूँ और सूर्य भगवान हो रहे हैं, अस्त छुप गए हैं भगवान, और अब मैं लाइट भी ऑन कर देती हूँ। एक सेकेंड, कप नीचे रख दूँ, लाइट भी ऑन कर देती हूँ, लाइट ऑन हो गई है। चलो मंदिर की भी लाइट ऑन कर देती हूँ, और कल इन प्लांट में मुझे पानी डालना है, देख रहे हो ये भी सूख रहे हैं, कल इनका काम रहेगा। ये सारे बटन मुझे क्लीन करने रह गए, बटन साफ करने के लिए, सफाई का कीड़ा है भाई, सफाई का कीड़ा नहीं, घर साफ रखती हूँ। ये देखिए मेरा मंदिर, दीपक लगा हुआ है बालाजी का, जय संध्या तारिणी, जय श्री कृष्णा। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ की भी लाइटें खोल देते हैं, ये भी लाइट खोल देते हैं, देख सकते हैं बालकनी, कपड़े उठा लेते हैं फटाफट से, ये मेरा मंदिर का पोछा है, भी सूख चुका है, इसको मैं यहीं रखूँगी इस तरीके से। चलिए अब मैं ये थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम आरती का नहीं हुआ है, ये थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, बच्चे स्कूल से आए थे तो फैला दिया। फ्रेंड, दीपक लगाने में अभी समय था, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ये आगे वाला जो लिविंग रूम है इसको ठीक कर लेती हूँ, फिर इसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद अब करूँगी शाम की आरती की तैयारी, क्योंकि शाम के वक्त या तो नहा लेती हूँ या कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और इसी तरीके से घर में शाम के वक्त भी मैं भजन चला देती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह में भी चलते हैं मेरे घर में भजन और शाम को भी, और अच्छा है ना, घर में जब भजन चलते हैं तो हर कोने में उसकी आवाज़ जाती, थोड़ा सा वॉल्यूम उसका तेज कर देती हूँ, जिससे घर में अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, अच्छा लगता है। और हर कोई भी जब सुबह को हमारे यहाँ मैं भजन चलाती हूँ ना, तो उस वक्त जब जो लोग भी उठते हैं ना, भजन सुनते सुनते उठते हैं, तो सोचो उनकी एनर्जी लेवल कितना अच्छा रहता होगा और पूरा दिन उनका कितना अच्छा है जो भजन सुनते सुनते सुबह हो रही है, तो भगवान का नाम लेते लेते। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं, शाम की जो दीपक है माता रानी का जो लगाती हूँ, तुलसी मैया का, बस वो लगा रही हूँ। कल आंवला नवमी है तो आंवला नवमी की भी कल पूजा रहेगी,
तो आज तो मैं ये आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इवनिंग रूटीन है मेरा कि मैं क्या क्या करती हूँ इवनिंग में, वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं जाऊँगी बाहर दीपक जलाने के लिए। और सिया आ गई, मानू है हम का भानू, और दोनों लोग कर रहे हैं नाश्ता। देखो ये ट्रे रखी है, नाश्ता करवा रही है, नाश्ता और ज्यादा मत खिलाना मानू, जितनी भूख लगे उतना ही खाना, ठीक है? जबरदस्ती करे तो मत खाना, ठीक है? खा लो। अच्छा लग रहा लड्डू? मुझे अच्छा लगा लड्डू, अच्छा लगा। दादी दादी के आने से पहले जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो दादी गुस्सा करेंगी। चलो जल्दी खा लो, है ना? फ्रेंड्स, मम्मी जी पापा जी गए थे दीदी का प्लाट देखने के लिए, घर देखने के लिए, प्लाट नहीं सॉरी घर देखने के लिए। तो उदय से सब्जी लेकर आ गए थे, तो मम्मी जी कह रही थी थोड़ी सी सब्जी बना लेना गौरी, और दाल चावल बनाने हैं क्योंकि दोपहर में नहीं बनाए थे। और मम्मी जी पापा जी का ऐसा है कि मतलब एक टाइम तो दाल चावल चाहिए जो दोपहर में बनते हैं, पर किसी रीज़न की वजह से दोपहर में आज नहीं बने। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब शाम को बना लेती हूँ। तो बस मैं आलू काट रही हूँ, मम्मी जी सब्जी कट कर रही हैं, तो शाम को ये हमारा रूटीन रहता है। तो अभी खाना बनाना है मुझे। तो फ्रेंड्स, एक तरफ दाल बनने के लिए रख दी है, और यहाँ पर ये सब्जी जो हम लोगों ने कट कर ली थी, मेथी की सब्जी, तो बस इसको भी बना लेती हूँ। और पहले तो इसको धुल के साफ़ करना रहेगा, अच्छे से साफ़ करना रहता है, कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो। फिर आप लोग कहोगे कि धुलने से पहले, साफ़ करने से पहले हमेशा इसको धुलना चाहिए, पर मम्मी जी हमेशा ऐसे ही करती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर वो कहती हैं कि अगर पहले धुल लो तो फिर वो ठीक तरीके से कटती नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है जैसा आप कहो। कई कई बार क्या होता है कि हमें अपनी नहीं चलाना चाहिए, जो बड़े कह रहे हैं वो सुन लेना चाहिए, और हमेशा अपना रखना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में बहसबाजी करना और बड़ों के साथ में और हर चीज़ में अपनी चलाना नहीं सही रहता है। कई बार चलो ठीक है नहीं इतने विटामिन्स मिलेंगे इसमें। मैंने कई बार कहा मम्मी जी से कि धुलने से पहले काटने से पहले धुलना चाहिए, तो फिर वो नहीं मानती। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाएंगे। तो एक तरफ इधर टमाटर हो रहे हैं दाल के लिए, तो मैंने इधर सब्जी भी मैं चौक लगा देती हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्च और सिंपल राई जीरे से दोनों चीज़ें मैं चौक लगा रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, जो ये मेथी की सब्जी है बिना लहसुन की अच्छी नहीं लगती है, पर अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो इसलिए लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर हमारा दाल का जो तड़का है वो तैयार हो चुका है, तो बस उसमें डाल देती हूँ दाल, और बस एक उबाल आने देते हैं, हमारी दाल तैयार है। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दूँगी इसमें, तो बहुत अच्छी दाल लगती है। टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाल दो खट्टे के लिए, आप नींबू भी डाल सकते हैं, पर नींबू मैं नहीं डालती हूँ, उससे क्या होता है दाल बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, तो बस टमाटर का ही इस्तेमाल करती हूँ। ऊपर से डाल दिया हरा धनिया, तो देख सकते हैं हमारी दाल बनके तैयार है। अब मैं इसको उतार देती हूँ एक तरफ, और यहाँ रख देती हूँ। दूध भी आ चुका है, तो दूध गर्म होने के लिए मैं रख देती हूँ। और मैं मेरे बेटे से पूछ रही थी आज दूध कितना लेकर आ गए, दूध सिर्फ वो आधा किलो लेकर आया, तो मैंने अब मुझे और बोलना पड़ेगा हस्बैंड से कि और लेकर आना, क्योंकि आधा किलो दूध में कुछ नहीं होता है। शाम को 1.5 किलो हम दूध लेते हैं, सुबह मॉर्निंग में 1 किलो ले लेते हैं, इतना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शाम को बच्चों को भी देती हूँ। तो बस चलो अब एक तरफ मैंने गर्म होने के लिए दूध रख दिया है, सब्जी में अब मैं सारे मसाले हैं वो डाल देती हूँ। खाना पूरा कंप्लीट बन चुका है, तो यहाँ मम्मी जी
खाना ले रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि पापा जी अभी नहीं खाएंगे और बच्चों के लिए भी अभी परस नहीं है, और सब जने साथ में बैठ के यहाँ आंगन में खा लेंगे। क्योंकि अच्छा पता चल जाता है खाने का, उतनी ही रोटियाँ मैं बनाती हूँ। वैसे मैं फ्रिज में आटा रखती नहीं हूँ, पर एक आइडिया हो जाता है, फिर ठंडी रोटी मॉर्निंग में बचती नहीं है, इसलिए गर्म गर्म। और मेरी ये शुरू से आदत रही है कि सबको गर्म गर्म खिलाने की, कि मतलब बनाते जाओ और सबको देते जाओ तो अच्छा लगता है मुझे। अनेक नाइशा, पता नहीं क्यों मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, और ये रहा मेरा खाना, तो रोटी चावल सब्जी। तो यहाँ पर सबको खाना खिला दिया है, और अभी 3 लोगों का खाना बाकी है तो उनके लिए बनाकर रख दिया है, क्योंकि ये लोग लेट खाते हैं। पापा जी भी लेट खाते, पिंकी दी भी लेट आती हैं, और हस्बैंड भी आज चेकिंग में लगे हैं तो वो भी लेट ही आएंगे। तो मैंने कहा चलो बच्चों के टिफ़िन वगैरह हैं सारे क्लीन कर देती हूँ, और किचन देख सकते हैं मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, गैस वगैरह किचन पूरा क्लीन कर लिया है, सिंक वगैरह सब साफ कर लिया, तो अब चलती हूँ ऊपर। तो फ्रेंड्स, नाइशा के कपड़े चेंज कर दिए हैं, जैसी मेरी आदत है शाम को कपड़े चेंज करने की, ऐसे मैं अपने बच्चों के भी चेंज कर देती हूँ। नाइट सूट पहना दिया है, बच्चों ने अपने आप खुद से हाथ मुंह धो लिया था। और बच्चों को जब भी आपस में झगड़ा करते हैं या कुछ भी मतलब परेशान करते हैं, तो इनको टास्क दे देती हूँ, जाओ रूम क्लीन करो, जाके रूम को नाइशा सुंदर बना दो जाके। तो नाइशा फिर बिजी हो जाती है, फिर झगड़ा करती नहीं है अपने भाई से। तो अभी ये जो रूम दिख रहा है, ये सब कम्बल वगैरह सेट करना है, सब कुछ नाइशा ने किया है, और दोनों बच्चों ने खुद से अपने हाथ मुंह भी धो लिए हैं। तो अभी मैं ये न्यू प्रोडक्ट लेकर आई हूँ अपने बच्चों के, शिवा मेड करके है प्रोडक्ट का नाम, जो कि यही है शायद, या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब न्यू बॉर्न बेबी को भी हम ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं, डॉक्टर खुद ही रिकमेंड करते हैं, थोड़ा सा महंगा ही है। आज का अपना ब्लॉग एंड करती हूँ अब, और रात के बज चुके हैं 10, अब बस सोने ही वाली हूँ मैं, 10 से ऊपर हो चुका है। बच्चों की हद से ज्यादा मस्ती शुरू है, पहले नायसा रोई, फिर वो चुप हुई तो वो रोए, अब इनको सुलाना पड़ेगा मुझे। और मैं आपको, अरे दूसरा पेन ले लो ना, पेन बहुत सारे हैं। चुप कर, आने की तरह इधर आप पेन दो मुझे, मैं अभी बंद कर रही हूँ, सुबह एंड कर दूंगी अपनी वीडियो को। दे दो तुम, मेरे इसमें से ले लो, रखा रेड कलर का पेन। हाँ तो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड, कल के ब्लॉग में तो मैंने भी अपना स्किन केयर है वो कर लिया है। हाँ मैंने भी अपना स्किन केयर कर लिया। आपको लग रही होंगी मेरी आंखें कैसी दिख रही हैं, तो मैंने यहाँ पे विटामिन ई के जो कैप्सूल है वो लगाती हूँ, हल्का सा 2 ड्रॉप लेती हूँ, और अच्छे से मसाज करती हूँ। उससे क्या, जो रिंकल्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, फाइन लाइंस, वो ठीक हो जाती हैं। तो वैसे तो अभी कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, पर हाँ स्किन केयर स्टार्ट जरूर मैं अपना रात में करके ही सोती हूँ थोड़ा सा, और नाइट क्रीम लगा ली है। तो चलो पैर तो हटा लो भैया। तो चलो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, नाइट सर, गुड नाइट। मुंह तो ठीक कर, कितना बोलते हैं, मुंह बंद करो, दांत दिख बंद करो ना। चलो ठीक है ना, सुबह मिलती हूँ मैं आप लोगों से, सुबह नहीं कल के ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का मैं एंड ही कर रही थी, तो मुझे हस्बैंड ने याद दिलाया कि 2 कमेंट हैं जिनका आपको रिप्लाई देना है। कौन है? अंकिता गुप्ता है, जो काली जीरी के बारे में पूछ रही है काफी टाइम से। तो मैं बताना चाहूँगी, देखो अगर आप बच्चे को फीड करा रही हो तो मत ही करो, क्योंकि मेरी जैसी गलती मत करना। मेरी गुड़िया 4 मंथ की थी नायशा, तब मैंने ये पाउडर बना के लिया था, तब उसके बाद मतलब नायशा का जो है, जब मैं फीड कराती तो पेट नहीं भर पाता था, ऊपर का दूध फिर देना पड़ा था, और मतलब ठीक नहीं है, मत लो। जब बच्चा मतलब दूध पीना बंद कर दे, उसके बाद तुम उसको ले सकती काली जीरी वगैरह। अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे पे थोड़ा सा असर पड़ता है, मेरी जैसी गलती आप मत करना। उसके बाद मेरी नायशा कमज़ोर हो गई थी, 4 मंथ तक नायशा बहुत गोलू मोलू थी। अभी हम क्या अपना फ़ायदा देखते हैं कि हाँ अभी हमारा वेट कम हो जाए ये वो, तो अभी थोड़ा सा रुकिए और थोड़े टाइम बाद आप लीजिए, है ना। और कौन है? अजय यादव नाम से। जब बच्चा दूध पीना बंद कर दे तब आप ले सकते हो इसको, बहुत इफेक्टिव पाउडर है ये काली जीरी मेथी दाना। बताइए, अजय यादव नाम से, अजय यादव करके हैं ये, आईडी नाम से है। और हाँ। नाम था वर्षा जो कि उनकी बहन बता रहे हैं छोटी। हाँ। जो उनकी बड़ी फैंस हैं, उनका बर्थडे कुछ है। हाँ।
हैप्पी बर्थडे वर्षा जी, कल उन्होंने कहा था कि हैप्पी बर्थडे बोलना, हमारा नाम लेना वर्षा, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी बर्थडे की, आप भी बोल दो। आपको जन्मदिन हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। बढ़िया, आप अच्छे से स्वस्थ रहे और अच्छे ही बोलते। तो एक जो होता है क्या, कई बार हम लोग नाम का कमेंट पेन दे दो इसको, कमेंट दे दो नहीं पाता, तो अगर एक दो आगे भी तो चलता है फिर। हाँ तो चलो ठीक है, अगर कुछ गलती हुई तो माफ करिएगा, आपकी बेटी हूँ मैं। जो भी मेरे माँ समान मुझे देख रही हैं, जो मुझे आशीर्वाद देती हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलती हैं कि तुम बहुत आगे जाओगे, तो अगर कुछ गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और तो जो मेरे से उम्र में छोटे हैं वो बहुत सारा प्यार उनके लिए, वर्षा जी के लिए बर्थडे बोल, वर्षा जी के लिए बोल दिया हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से, हैप्पी बर्थडे वर्षा जी। तो चलो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने बच्चों को देखती हूँ, इनके मुँह बन रहे हैं, बस अब सोना है मुझे। चलो ठीक है ना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।